तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 110 को। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिंको जूलियंस उस बोट का नाम रखने के लिए सभी से सजेशन मांग रहा होता है और बोले लगता है अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे यूनिटी का इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन तभी जो होंगे होती है वो मन में सोचते हैं वो लगती है कि ये जो लिन है वो बेवकूफ़ बना रहा है फिर से लोगों को। तभी जो कोनिया होती है वो अपना सजेशन देती है और गोल्डन मैरी उसका बोट का नाम रखने का बोलने लगती है और बोलने लगती है ये बिल्कुल यंग एंड ब्यूटीफुल है। तभी जो मोगन चैन है वो भी अपना नाम बताती है और बोलती है कि माइस ऑफ सनसाइन ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हमारी जर्नी को सूट करता है। और तभी शियो भी आती है और बोलने लगती है हम इसका नाम ब्लैक पियर रख सकते हैं, मतलब काला मोती। जो मेरा ब्रदर है वो इनविजिबल कैप्टन है मेरे दिल में। तभी रोज आती है वो उसका नाम ग्रास कॉर्ड रखती है। और तभी येलो फॉक्स आती है वो उसका नाम जेसिन रखती है। और जो गोस्ट गर्ल होती है वो बोलती है जो तुम्हारी मेड है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, तो हम इस बोट का नाम आई डू नॉट हेल रख सकते हैं। तभी जो होंगे आती है वो उनके पास कहने लगती है कि कैसा रहेगा अगर हम अपने इस बोट का नाम टाइटैनिक रखें, ये हमारे इटर्नल लव का सिंबल है, मतलब प्रतीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तभी जो लिन होता है वो उससे कहने लगता है तुमने जो सजेशन दिया है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, लेकिन जो टाइटैनिक थी वो डूब चुकी थी समंदर में, तो इसका जो इम्प्रेशन है वो बिल्कुल सही जम नहीं रहा अभी सिचुएशन के हिसाब से। तभी जो लिन होता है वो अपना सजेशन देता है और वो लगता है हम लोग अच्छे पीपल हैं तो हम क्यों ना इस बोट का नाम वर्च्यू रखें। ये सुनने के बाद सभी के सभी सन्नाटे में छा जाते हैं एकदम से। तभी कोनिया आती है और उनसे बोलने लगती है तुम में तो बिल्कुल भी वर्च्यू नहीं है, तुम आखिर अपने आप को क्या समझ रहे हो, क्यों ना हम ऐसा रखें लैक ऑफ वर्च्यू, मतलब वर्च्यू की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तभी लिन इस नाम से भी खुश हो जाता है और बोलने लगता है बिल्कुल हम ऐसा रख सकते हैं, आखिरकार मैं मतलब समंदर का राजा जो हूँ। ये सुनने के बाद वो भी कोनिया हंसी लगती है और बोले लगती है तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है लैक ऑफ वर्च्यू, ये तुम्हारे नाम से जुड़ा हुआ है लैक ऑफ वर्च्यू। और तभी सभी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इस ट्रिप के लिए। तभी लिन अपनी हेड पहनता है, उसकी खैर पहनता तो होंगे की हेड है, और सभी को आगे बढ़ने के लिए बोले लगता है। तभी जो होंगे जो होती है पीछे से मुस्कुराने लगती है, ऐसे लगती है इस सिचुएशन को देखने के बाद, और बोले लगती है इस ट्रिप का जो नेम है वो वाकई में बहुत ज़्यादा अलग ही है हट के। और सभी लोग अपनी बोट को फुल स्पीड पर आगे ले जाने लगते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमारा एक और भाई, काफ़ी समय हो चुका है इनको आए हुए, तो जो रेड कार्टर भैया यहाँ पर आ चुके हैं अपनी सिंपल सी बोट में अपनी गर्लफ्रेंड को ले जा रहे हैं। तभी वो लड़की उससे पूछ लगती है रेड कार्टर आखिरकार हम यंग दाव में क्यों जा रहे हैं, और उससे पूछने लगती है कि मैंने सुना है जो रेड लीफ आई मीन होंगे और जो लिन है वो दोनों यंग दिया आइलैंड में वो भी जा रहे हैं, क्या तुम उन्हें फॉलो कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो रेड कार्टर है वो ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे बोले लगता है शर्म नहीं मारे होता क्या, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें जाकर फॉलो करूं, मैं बस एक ही जगह पर रहकर बहुत ज़्यादा थक चुका हूं, इसलिए मैं दूसरी जगह पर घूमने के लिए जा रहा हूं। और वह लोग वहां से फुल स्पीड में निकल जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है वापस से उसी शिप पर जहां पर डिनर होंगे अपनी रोमांस वाली बातें कर ही रहे होते हैं। तभी होंगे आती है फ्रूट लेकर उसे खिलाती है और डिनर से बोल लगता है मेरे वाइफ के द्वारा जो फ्रूट काटे गए हैं बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मतलब टेस्टी है। तभी अचानक से उनको बेट के सामने कोई दिखाई देता है, ये देखकर दोनों एकदम से डर जाता है। डिनर चिल्लाते हुए कहता है वो क्या मॉन्स्टर, और जैसे ही वो चिल्लाता है जो सामने एक बोट पे एक फिशरमैन टाइप का मॉन्स्टर टाइप का दिख रहा है वो चिल्लाता है क्या कौन है भाई, अचानक सरप्राइज हो जाता है वो। तभी जो लिन और लिन की पार्टी होती है वो सभी रेडी हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए और बोले लगते हैं अब हमारा समय आ चुका है हम अपनी ताकत दिखाएं मॉन्स्टर को निपटाते हुए। तभी सामने वाला जो बंदा होता है वो कह लगता है रुक जा मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। तभी जो होंगी होती है वो उससे बोल लगती है ये गोश्त है नहीं, सच में बात सही कह रहा है ये बंदा, इसमें कोई भी गोश्तली और नहीं दिखाई दे जा रहा। तभी पूछता है आखिरकार तुम हो कौन, और तभी लिन मन में सोचते हुए कहता है ये गोश्त नहीं है, इसके पास गोश्त लिए और नहीं है लेकिन गोश्त जैसा दिख रहा है, कितना ज़्यादा अगली है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी जो बंदा होता है वो उससे कह लगता है मैं वेल आइलैंड का चीफ हूँ और मैं यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आया हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम लोग कौन हो। तभी जो लिन होता है वो बताता है हम लोग साइकिक हैं जो कि दिक्सिया से आए हुए हैं यहाँ पर यंग दिया आइलैंड के सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए। ये सुनने के बाद वो मॉन्स्टर खुश होने लगता है, हंसते हुए उससे कहने लगता है अच्छा तो तुम सभी के सभी लोग दिक्सिया के दोस्त हो, अगर वहाँ से आए हुए दोस्त हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम हमारे बेल आइलैंड पर क्यों नहीं आ जाते गेस्ट के तौर पर, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि हमारे यहाँ का कल्चर तुम लोग देखो जो कि यांग दियाओ आइलैंड से जुड़ा हुआ है। तभी हमें यांग दियाओ की बेल आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और नेक्स्ट सीन में सभी के सभी मिलकर फिश को खा रहे होते हैं, मछलियाँ खा रहे होते हैं, और जो मोक अंजन होती है वो बहुत ज़्यादा चाव से खा रही होती है और वो लगती है ये तो वाकई में बहुत डिलीशियस है भाई, कुछ अलग ही नहीं दिख रहा, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तभी जितने भी जो आगे के बंदे जो मॉन्स्टर टाइप के दिख रहे होते हैं मॉन्स्टर के, ठीक है वो लोग आकर उनका चीफ आता है और उनसे कहने लगता है यह एक ग्रिल्ड फिश है कोकोनट मिल्क के साथ, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिश हैं, मतलब फिश हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इतना चाहे उतना खा सकते हैं।
और पीछे जो येलो और फॉक्स आपस में लड़ रहे होते हैं मछलियों के लिए, और आगे लिली और कोनिया लड़ रहे होते हैं मछलियों के लिए, जी मेरी है जी मेरी है तो मैं इसे नहीं खा सकते। तभी जो होंगे होती है वो उससे पूछ लगती है और उस चीफ से बोलती है, मुझे माफ़ कर देना अगर मैं रूड हो रही हूँ, मतलब बुरे बुरा कह रही हूँ चीफ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों दिख रहे हो। तभी वहाँ का चीफ उससे बोल लगता है, ये एक लंबी कहानी है, और वो बताने लगता है कि हम लोग जनरेशन से इस जगह पर बेल आइलैंड पर रहते हुए आ रहे हैं, और हम अपने जीवन के लिए मछलियाँ पकड़ा करते थे खाने के लिए, और इस तरीके से हमारी लाइफ कटा करती थी। वहाँ भी एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके हैं। तभी हमें एक बेल को दिखाया जाता है और वो बताते हैं कि सभी अचानक से एक बड़ी सी बेल आ गई और उसने एक न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया था उस समय पर, जिसके कारण जहाँ का जो एरिया है पूरा पूरा पॉल्यूटेड हो गया था न्यूक्लियर पावर से, और उस न्यूक्लियर पॉइजन के कारण हम ऐसे दिख रहे हैं तब से। और यहाँ के जो लोग हैं वो जो भी लोग हमें देखते हैं वो ज़्यादातर हमें मॉन्स्टर समझ लेते हैं। तभी अचानक से ये सुनने के बाद लिन के मुंह से उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है और वो लगता है, अबे तेरी हॉल शिट, ये क्या, अभी जब जो खाना खा रहे थे वो न्यूक्लियर कंटेनमेंट है, मतलब न्यूक्लियर पार्टिकल्स उसमें मिले हुए हैं। तभी होंगे उससे पूछ लगते हैं, क्या तुमने कभी सोचा नहीं है उनसे फाइट करने के लिए। तभी जो चीफ है वो उससे कहने लगता है, तुम उस केमिकल बेल के बारे में भी जानते नहीं हो इसीलिए। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत बड़ा शोर होने लगता है, धमाके होने लगते हैं, ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। वहाँ का चीफ बोलने लगता है, तुम्हें सभी को यहाँ से भागना होगा, वो बेल यहाँ पर आ चुकी है। तभी हमें उस केमिकल बेल को दिखाया जाता है, एक ट्रांसपेरेंट बेल दिख रही है, इसकी हड्डियाँ वड्डियाँ सब आसपास ही है। इसको देखने के बाद सभी लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और घबराने लगते हैं। और तभी जो लिन होता है वो अपना लट निकाल लेता है और वो लगता है, एक तुच्छ सी बेल यहाँ पर हम लोगों पर अटैक करने के लिए आ गई है, वो भी मास्टर लिन पर, अभी सबक सिखाती हूँ तुम लोगों को। तभी जो कोनिया होता है वो अपनी टाइम एक्सलेशन पावर का इस्तेमाल करती है उसको रोकने के लिए, और नो किंचन उसके सारे की सारी फिशेस को जमा देती है अपनी आइस पावर से, और जितना भी पानी होता है वहाँ पर जम जाता है, और जितनी पुराना फिश होती हैं सब जम जाती हैं। तभी जो शियो होती है वो अपने बियर और पांडा को निकाल लेती है और सभी के सभी को मारना चालू कर देते हैं, और अपने अपने भाई सॉर्ड निकालते हुए लट्ठ वाली, और भाई हड्डी सिंह आ गए हड्डी सिंह। तभी जो होंगे होती है वो इनसे कह लगती है, मैं इनके वीक पॉइंट का इस्तेमाल करूँगी और जितने भी लोग हैं मतलब जितनी फिशेस हैं सभी को मार दूंगी, और इन भी अपना लट्ठ बजाने लगता है उन पर, और बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ का एरिया संभाल लूँगा। और सभी फिशेस को मारते हुए वह लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वो वहाँ पर पूरा एरिया क्लियर कर देते हैं होंगे और लिन। और तभी लिन कह लगता है, ये सूखी हुई मछलियाँ मेरे लिए काफ़ी नहीं है, इन्हें तो आसानी से निपटा दिया हमने। और तभी जो वेल होती है वहाँ पर आई होती है, इन पर अटैक करते हुए वापस घूम कर जाने लगती है। और तभी लिन उससे कह लगता है, मैं और होंगे उस वेल के पीछे खड़े हैं, तुम लोग यहीं पर रुको। तभी शियो उससे कह लगती है अपने ब्रदर से, ब्रदर तुम थोड़ा सावधान रहना। तभी जो येलो होती है वो उससे कहने लगती है, जो लेना है उसे फिर से मौका मिल गया प्रिटेंड करने के लिए। और तभी वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं यहाँ पर अजीब सा बिल्कुल एकदम गंदा वो दिख रहा होता है, हड्डियाँ पड़ी रही होती हैं। तभी होंगे उससे बोलती है, लिन इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है जो केमिकल वेल है वो इसी जगह से निकल कर भागी हुई है। तभी लिन बोलता है, आखिरकार ये किस तरीके की जगह है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा हड्डियाँ क्यों हैं। तभी जो होंगे उससे पूछने लगती है, जो जितनी भी जगह है वो वेल्स की बोन है, मतलब जो वेल है उनकी हड्डियाँ हैं। ये सुनने के बाद तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, कहना क्या चाहती हो, मतलब जितनी भी वेल है वो यहाँ पर हैं। अब आगे की जो सस्पेंस है वो खुलने जा रहा है। तभी अचानक से उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देने लगती है और उनसे बोलने लगती है वो आवाज़, तुम सभी आउटसाइडर, तुम्हें उन गाँव वाले मतलब उन विलेजर्स के द्वारा धोखा दिया जा रहा है। और तभी हमें उस बड़ी वेल को दिखाया जाता है जो उनके सामने आ जाती है और उनसे बोलने लगती है, यह एक सेलेक्टर हाउस है और यहाँ पर जितने भी वेल बच्चे थे और ग्रैंड चिल्ड्रन चिल्ड्रन वगैरह और जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे यहाँ पर उन्हें बुरी तरीके से मार दिया गया था, यह सभी उनकी गलती है, अब उन्हें हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाले चाहे कुछ भी हो जाए। जो सुनने के बाद लिन और जो होंगे हैं वो दोनों सरप्राइज होते हैं अचानक से। और तभी जो वेल होती है वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे बोल लगती है, अब तुम सभी को समय आ चुका है सच्चाई दिखाने का। और तभी जो उसकी मेमोरीज है वो एकदम से प्ले होना चालू हो जाती है मूवी की तरह। और होंगे कहती है इस सिचुएशन को देखते हुए, इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है ये उस केमिकल वेल की मेमोरी दुनिया है, मतलब मेमोरी वर्ल्ड है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि इस मेमोरी में क्या निकलता है, क्या सच में जो विलेजर्स हैं वही दुश्मन है, या फिर जहाँ कुछ और सिचुएशन चल रही है, या फिर जो विलेजर्स जुड़े हुए हैं यांगिर से। आगे चलकर पता चलेगा उस वेल आइलैंड की सच्चाई का राज। आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, तो कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा।